हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब भी ठीक होंगे। अभी सुबह के बज गए हैं 7:45 और बड़े बड़े जग रहे हैं। बस हर जग का सोई रहे अभी तक भी। क्या हाल जब होगा? निका जागते होगा? सब ठीक हो जाएगा, 1 महीने की छुट्टी ना एंजॉय करने दो। इसमें भी तंग, इसमें प्रेशर डाल लोगे इधर उधर के, फिर छुट्टियों का मतलब क्या रह जाएगा। अच्छा, ये बात है। चलो, हम तो कोई परेशान। हॉलीडे होमवर्क बतावे उन्हें, कोई क्या ट्यूशन बतावे, कोई क्या पढ़ लो। अरे 1 महीना है जिसे पढ़ना ना, वो 11 महीने में ही पढ़ लगा। ये 12वां महीना ही ऐसा वो नहीं है कि इसी में पढ़ के ज्यादा ज्यादा टॉपर बन जाएगा कोई। अच्छा, तो बिल्कुल किताब बंद करवा के दरवा दो नीचे एक तरफ। बंद का मतलब नहीं, टाइम आओगे स्कूल खुलेंगे फिर पढ़ लेंगे। अब क्या 1 महीना छुट्टी का है, अब ये इकट्ठे हो रहे, इनकी यहाँ भी क्लास लगा दो है, अच्छा, फिर क्या मतलब रहेगा छुट्टी का। नंदनी को जगाने की कोशिश कर रहे थे अभी, गुड मॉर्निंग कह के फिर सोगी नंदनी भी, क्योंकि सुबह के टाइम तो बहुत ज़्यादा गर्मी थी और अभी जो है हवा निकल गई बढ़िया वाली, और सुबह की अर्ली मॉर्निंग की जो है क्लीनिंग आंगन की हो गई है और सब ने एक एक कप चाय भी पी ली है। लेकिन अभी नाश्ते की तैयारी, नाश्ते में कह रहे रेडीमेड ले आऊँगा जल्दी, खाना बना लियो। मैंने कहा मगर वो कुछ असर नहीं करता ज़्यादा देर तक। अरे नंदू बेटा, ए नंदू बेटा, तुम भी समर वेकेशन पूरी इंजॉय कर रहे हो क्या? अभी थोड़ी थोड़ी सी हवा चल रही है ना, तो ये भी सो रही। और जो कोई आंगन में सोवे ना, तो मच्छरदानी लगानी पड़े मच्छरों से सेफ्टी के लिए, नहीं तो फिर सुबह मक्खी परेशान कर लगे दिन निकलते ही। ये तो चल दिए नाश्ता लेने के लिए। तो चलो जी, अब हम भी जो है नहा के पूजा कर लेते हैं और फिर जो है खाना बनाने की तैयारी करते हैं। गेस्ट भी आए हुए हैं घर पर, तो प्रीति ने रात में ही तैयारी कर दी थी खाने की, तड़की के ये राजमा भिगो दिया था उसने और बोली कि दाल के साथ में बनाएंगे। कहाँ चलेगी? घेर में नहीं, घास लेन चल ले। चल चल, मैं भी चलूंगी। घेर में नहीं, कहाँ बैठेगी? संभल के। और मैं फिर यहाँ बैठ कर ना इसकी टांग पकड़ लूंगी। अब तेरे पापा चलाओगे? मैं पापा गद्दी लेके। कौन से पापा चलाओगे? सुनील पापा। कौन से पापा? कौन से घर लाएंगे? 15 दिन में बदल गई नंदनी। अच्छा, रूटीन बदल गया इसका। ए, तुझे मारी प्रीत ना रही बिल्कुल। हैं तो पापा कौन से? देखो, सुबह उठ के गुड मॉर्निंग करे थी, लाड करे थी, आपका भी मेरा भी, सब तो पहले मैं इसका करूँ थी यार। जब मैं आवाज लगाऊं जाऊँ गुड मॉर्निंग कहो जाऊँ, बोलती नहीं। या मुझे भी इग्नोर कर रही। अभी बेटा 15 दिन बाद याद आएगा तुम्हें। उस दिन सारी, उस दिन से एक बार भी टुनील पापा नहीं कहा ना दिखा। मेरे कहने ना बदल गई 15 दिन बेटे। और उसी को सुला रहा हूँ अपने पास, और उसे ही दे रहा हूँ। मेरे पास ही सोती है रात भर, में तो कुछ कुछ खिलाऊं से। एक बर्फी का लगी डिब्बा था जो मन्नर ने खाया रात। और पीछे को भर कर बैठने को भर कर हो गया। भैंस ने गोबर नहीं करा, दिखाया नहीं अभी। देखिए यहाँ तो यहाँ लो। अब मैं कह रहा से नीला अक्षी को पानी गिर दे, मेरा पीछे आंख लग रही। देखो उनने तो सुसु भी कर दी गोबर के ऊपर ही। नहीं नहीं बस बस हो गया। बाय बेटा, चलो मैं भी चल रही हूँ। हैं, चलो आराम से भैया, आराम से। गाड़ी वाले भैया, मंदिर चलोगे? मंदिर तो बड़ी दूर है। ए भाई ए भाई ए भाई, इसकी आवाज कम करो। नहीं रिकॉर्ड हो लग रही। दो अरे एक गंगा शीशा एक प्याज दस साबुनदानी चाय छन्नी आटा छन्नी, एक आलू प्याज वाला, एक आटा छन्नी और साबुनदानी वाला। एंजल कह रही कि आरुष ये कह रहा कि इतनी बढ़िया नींद आ रही थी, सोन भी नहीं दिया। फिलहाल हम दोनों लग गए अभी खाना बनाने की तैयारी में, और इधर चूल्हे के पास बैठकर ही हम सब ने कर लिया है अपना ब्रेकफास्ट। तो हल्का फुल्का जो भी है ये, और बच्चे खा पी कर खुश हो जाए से। अभी बच्चे तो सब नहाएंगे क्योंकि आज ये पहले नहीं नहाए, नहीं तो फिर इनका नहाने का इंतजार करते रहे, नहाने में लगा था बहुत टाइम इस वजह से। तो चलो जी, अभी प्याज की कटिंग, रुक जाओ। तो अभी प्याज की कटिंग हो रही है।
और उधर कुकर में सिट्टी पे सिट्टी लग रही। हम बनाएंगे आज आलू के साथ में राजमा। जो रात के बिस्तरे ऊपर लगाए थे हम लोगों ने सोने के लिए, वो सब नीचे उतर रहे हैं अभी, क्योंकि बेड के गद्दे भी ले गए थे ऊपर ही, एक बेड है तो बाकी सब नीचे लेटते हैं। किसी को जो रुई वाले गद्दे होते हैं उन पर नींद आती है, किसी को नहीं आती है, तो फिर हम लोग ये बैठ के ही ले गए थे। तो आज मैंने सोच लिया है कि आज सारे कपड़ों की तय बनाऊंगी, क्योंकि सारे कपड़े मेरे भी अस्त व्यस्त हैं जब से हम लोग सूरत गए थे और जब से ही गुड्डू के पापा भी। इसी बीच में ये लोग यात्रा पर भी चले गए, लेकिन हमारे सबके कपड़े जो हैं ऐसे ही रखे हुए थे। प्रेस तो हो जाती है, लेकिन कोई कपड़ा इधर है कोई उधर है, मतलब सब कपड़े जो है तरीके से नहीं रखे गए अभी तक, और ना ही मिलते हैं टाइम से, तो वही होता है। तो मैंने आज सोच रखा है कि इनके कपड़े बिल्कुल पैक कर दूंगी थैला वगैरह में, अगर कहीं जाना होगा तो अपना पहन लेते हैं। अब साथ के साथ टाइम टू टाइम ये तो होता नहीं कि भाई लाइट आ रही प्रेस कर दो, और बाहर रखे हुए कपड़ों पे वैसे भी बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी हो जाती है। जो मेरे पास जिप वाली किट है तो उसमें मैं अपने सूट सलवार रख दूंगी, जो बाहर आने जाने के लिए मैंने सलवार रखे हैं, और जो डेली यूज के हैं वो एक साइड में रख दूंगी। अखबार लगा रखे थे मैंने अलमारी में, क्योंकि नीचे होता ही है कपड़ों के रखने के लिए कुछ ना कुछ, तो मैं सोच रही हूँ अभी लगाऊंगी, लेकिन उसके लिए मुझे टाइम की ज़रूरत है, क्योंकि उसमें टाइम लग। दो सूट सिलवाए थे, ये तो प्रीति को दे दिया, आया ही नहीं जब मेरा, काट पीट छाट करवाने का क्या फ़ायदा। क्यों रो रही है नंदनी? सबको फोन चाहिए, इतने फोन कहाँ चलाऊं, एक दर्जन फोन चाहा। आदत भी आपने डल ली, बुरा ना मानी हो? नहीं मैं कहाँ बुरा मानता, कोई कुछ ही कह लो मुझे। और एक ये सिलवाया, ये तो सही आया, पैंट बनवाई थी मैंने, माँ ने बोला था अभी पैंट बनवा के पहन लिए, लेकिन इसकी पैंट जो है फिट आ रही ज़्यादा, तो प्रीति का साइज सही होगा। चलो तो फिलहाल घेर में और रिफ्रेशमेंट लेके आए थे इनका भाई, यहाँ पे जो लग रहे काम करने वाले आदमी। रिफ्रेशमेंट में भाई लस्सी पिलाई जाती है और गुड़, क्योंकि मौसम बहुत गर्म है, ठंडा रखती है तासीर। दो गिलास लस्सी पी के सब मस्त हो जाए, आराम से फिर काम करते रहेंगे। और ये चाय पसंद नहीं करते, शाम के टाइम भी इन्होंने सोचा लस्सी पिलाओ जाए हमें तो भाई। और ये देखो सारी ईंटे गिल्ली कर दी पिताजी ने, हम पिताजी को जैसा कह रहे क्यों नहीं मानते पिताजी, क्या भाई मैंने उन्हें पहले तो कहा था कि जो समरसिबल हैं पड़ोसियों के उन तो पूछ लिया था, पाइप डाल लेंगे ला के अपना, 10-20 मिनट में बहुत पानी भर जाएगा 1 इंच पाइप से भी भाई, न तो उसे मन नहीं। अच्छा फिर मन ने कहा मगर यहाँ पे टुल्लू लगा दें पीछे ट्वेल का पानी चलता रहे, न उसे मान रहे, क्योंकि बाल्टी तो बढ़िया कुछ है ही नहीं, बाल्टी तो बढ़िया नहीं मान रहे कुछ भी, पानी चलता रहे टुल्लू पंप सही रहेगा अपना, पाइप है ही मारे। अब रेत हवा में उड़े इस पर भी पानी छिड़कना पड़ा, इसे गिल्ला करना पड़ा, नहीं ये उड़ जा, किसी ना किसी तरीके से मनाना पड़ेगा। आज कहा तो मन्ना बड़े प्यार तक कर नीलाक्षी बहन ने कह दिया था तो गुस्सा हो गए थे, मगर पिताजी अपना ध्यान रखो, सबसे पहला अपना स्वास्थ्य है, आँख है, और ये आँख बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है जब तक इंसान की जिंदगी है। ग्राम पंचायत हुसैनपुर कला विकास खंड बुढ़ाना मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश। ये उसके कागज हैं, बैग में निकला होगा ये, अरे वो है निकला अमित, ये ढूंढता फिर है, सेक्रेटरी साहब के कागज हैं ये, और ये मेरे बैग में पता नहीं कैसे आए। अरे भाई अरे भाई अरे भाई अरे भाई आरुषि, अरे ये क्या पहन लिया भाई, किस उपलक्ष्य में आज, क्या खुशी की बात है, शादी में, किसकी शादी में, शादी का तो कार्ड भी नहीं है कहीं है आजकल, लावे धो रहे हाँ भाई 27 तारीख में है, लुंडी का ब्याह है जइयो है भाई, और उसी पैन पैन के देख रही है, मतलब गर्मी में मर जाएगी तू, अमित का ब्याह में कभी खरीदने पड़ेंगे। हाँ अमित के ब्याह में एक और है, इसमें तो गर्मी लग जाएगी तुझे बहुत आरुषि, सर्दियों में पहनने जाओगा व्हाइट इनर पहन के बढ़िया रहेगा, सर्दियों में देख एक काम तो सादा का ही है, मेहंदी फंक्शन होगा, मंडा होगा, बहुत सारी चीज होगी, लगेंगे बाल लगेंगे, हल्दी रसम हर चीज में यही पहनने जी, जो क्यों पहनेगी, हल्दी रसम पे बनेगा पीला फिरोक, और वैसे रसम पे मेहंदी रसम पे फिर बनेगा ग्रीन ड्रेस, तो सारे रीति रिवाज होंगे बढ़िया। और तेरा तेरा क्या विचार है मम्मी? हम तो बस हल्दी में सारे पीले कपड़े पहनेंगे। हाँ तेरे पापा के पीले कुर्ते पजामे पहनो, पापा जी आप तो आज भी पीले कपड़े पहन रहे, मैं तो आज से हल्दी रसम शुरू होगी, ये देख लो हल्दी रसम के कपड़े आज से ही पहन लिए, मन तो जब भी होगी हो जाएगी मम्मा जी। हाँ भाई हमें तो बस टूटा पजामा दे दो वही बोल, बस बस ठीक है भाई, तू तो देखिए लड़का कितना समझदार है, एकदम पारंपरिक ड्रेस अपना भारतीय परिधान कुर्ता पजामा है भाई, सार्थक वेल्डन जरूर मिलेगा तथास्तु।
और जब घर में काम हो कम या जल्दी निपट जाए तो ऐसे अड़े बड़े दाने जरूरी होते हैं। तो यहाँ पे तो अड़े बड़े लगे औरतों के सारे साफ सफाई के काम, ये देख लो कई दिन तक कैसे अस्त व्यस्त हो रहे थे, आज देखो आज भी तो लगी अलमारी में कपड़े हैं हमारे दोनों के। ये सिस्टमेटिक तरीके से कपड़े लगाए और मन ने अपनी टी शर्ट पहन के निकल ली तो सवाल पे सवाल दाग के जा रहे कि आराम से भी निकल ली नहीं। अब मन ने जवाब दिया मगर नहीं, पहले मैं अलमारी के निचले खन्ने में घुसा, बाहर से दरवाजा बंद करके बीच वाले में आया, फिर ऊपर वाले में उछल कूद मचाई, तब जाके अपनी टी शर्ट निकल ली। ऐसा अर्थ है ये देखो, मतलब भाई ये भी कोई सवाल है, आराम से निकल लिया। अरे मुझे पता प्रेस हुए कपड़े रखे, दूसरे कपड़ों की तय खराब नहीं करनी, यही तो था। तो भला इतनी कॉमन सेंस तो मैं भी लगा ही लूं कि भाई कैसे कपड़े निकाल के पहनने। तो ये अड़े बड़े यहाँ पे फिलहाल ढाए जा रहे हैं और इससे बाद में पता नहीं कौन से अड़े बड़े ढाए जाएंगे। और आरुष तो क्यों नाराज सा हो रहा भाई, भूख लग रही, खाया तो कुछ नहीं, भूख तो लगेगी भले आदमी, सब बच्चे खा लें नाश्ता कर लें। माँ क्या लाऊं तेरे खतर खाने में, बता भाई माँ को बता क्या लखाओगा, क्या खाया इसने, कुछ खाया नहीं माँ अभी नहीं खाया, आज तो नहीं आयो है, दूध पिया थी, दूध भी नहीं पिया था जी। यो सबसे अलग ही उस पर क्यों चल रहा लीक पे, चावल लाऊं तेरे खतर, आपको रोटी लाऊं, बताओ बता चावल खाओगे रोटी, तो भाई बता जल्दी काम चलने का बैठने से, सब्जी है थोड़ी और भूख लगन दो आज है, पूरी भूख लग जाएगी ना जब खाओगे, यो अभी नहीं खाने का, यो थोड़ा बहुत पड़ रहा होगा पेट में। सार्थक के नए कपड़े इसे करवा रहे ट्राई, और भाई काट दे कोई बात नहीं, अपने आदमी है सब, अरे तू टेंशन न लिए काट दे ही। अब तो ये स्टोर में जाओगे, स्टोर तभी ट्राई रूम में पहुंचेगा, ट्राई रूम में पर्दे के पीछे का बदला है ही बदल लेता। ये है एंजल के, एंजल के तो ठीक है परफेक्ट है, हाँ ठीक है एंजल। गट्टू दीदी कह रही मेरी टी शर्ट क्यों पहननी, हाँ उसकी भी ऐसी है। आरुषि ठीक है भाई, आरुषि ने सोच रही मेरे क्यों नहीं है, भाई तेरे भी आओ है, तितली वाले ट्राई कर लिए तुमने तो, बहुत अच्छा, खुश हो आप तितली वाले पहन के। ये निकल आ गया छोटा जींस का, तो शाम को जो है इसे चेंज करके लाओगी प्रीति, ये कान भी खान जाओगी ना, तो ऊपर से टाइट आया, चलो टी शर्ट तो बिल्कुल सही है लेकिन ये टाइट हो गया, चलो ये वो बड़े वाला ये है, ये सबसे बड़ा वाला साइज का, उसकी नीचे तक कटिंग करवा लेंगे, उसका लेंथ लंबी होगी ना उसकी, इसके हिसाब से तो उसकी लेंथ कम हो जाएगी नीचे तक, हाँ ठीक है, ऊपर से फिट सही आओगे इसके पेयर में, फिट करके देंगे ऐसी बात नहीं, मैं घबराई है ना भाई सार दंगे, ठीक है। सिलाई मशीन रखी थी मन्ने, लेकिन अभी मोर्चा जो है प्रीति ने संभाल लिया, और कई सारे कपड़े जो उजड़े हैं वे सील दिए इसने, और बैगों की सर्विस कर दी, क्योंकि बैग जो है कहीं लेके जा तो धोखा दे बीच में, वो दड़ गए थे, वे मार के कपड़े पैक करके दे दिए जिन बैगों में, और कान्हा जी के कपड़े भी इसने आज सही कर दिए, कई सारों की सिलाई उधड़ रही थी, रेडीमेड कपड़ों पर लंबी लंबी सिलाई आवे हमें निकल ही जावे, तो कई सारे कपड़े आज रिपेयर हो गए, और मन्ने बनाए छलने, माँ के सूट में तो कपड़ा बच रहा था उसके छलने बना दिए, बहुत बढ़िया इस्तेमाल करूँ मैं ऐसे ऐसे कपड़ों का, सूती कपड़ा है, रोटी बढ़िया रहे, दर्द है बस इन्हें सामान लोग कहाँ जा रही सब पर अस्पताल है। अब ये सोने का बदला लेगी आपसे, जितना ये आपके पास होगी उतना ही आपके पास में क्या करेगी फरमाइश, पता क्या है वो तो मेरे पास लग नहीं रही, लगेगी वो बदल दी वो तो 15 दिन में ही नहीं, वो फिर बदल जाएगी, उसके पापा को जान दे ड्यूटी चला जाएगा ना, कंप्यूटर नहीं ऑन कर रहे, नहीं खोल देने गेट, गेट ही नहीं खोल ले गेट नहीं खोल रहे। चलिए फ्रेंड्स आज के इस व्लॉग का कर देते हैं यहीं पर एंड, और आपसे मिलते हैं कल एक और नए व्लॉग के साथ, व्लॉग पसंद आए तो लाइक करें, चैनल बने तो सब्सक्राइब करें, तब तक के लिए बाय बाय, सबको हमारी राम राम, जय माता दी।